देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। नागदा में वार्ड नंबर 35 के क्षेत्र में बहुत ही गंदा पानी घरों में आ रहा है। क्षेत्र के लोग इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई बार शिकायत की गई पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में उद्योग लगे हुए हैं। करोड़ों रुपए का फिल्टर प्लांट होने के बाद इतना गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है कि आप अगर पानी देख लें तो पानी नहीं पी सकते। आला अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई है पर सभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्षेत्र की जनता की कोई वाई यहां के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। महिला पार्षद गीता यादव और प्रतिनिधि महेंद्र यादव राजू यादव द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को फोन पर कई बार अवगत कराया गया। कई बार शिकायत की गई पर लोगों की समस्या का निराकरण नहीं किया गया। लोग अपने वार्ड से दूसरे वार्ड में जाकर पानी भरने को मजबूर हैं। कोई साइकिल से पानी भरकर ला रहा है तो कोई मोटरसाइकिल से, कोई ऑटो रिक्शा से इस समस्या से निपटने के लिए पानी लेकर आ रहा है। अब देखना ही होगा प्रशासन इनकी कब सुनता है। नागदा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। आपने शिकायत करी नगर पालिका में? हमने तो नहीं करी है, लेकिन यहाँ वार्ड को तो इस प्रकार से देखा ही नहीं जाता है क्योंकि ये कांग्रेस का वार्ड है। ये रोड आपके सामने अभी बनी है, 2 महीने पहले ये पूरी उखड़ चुकी है। पूरा बच्चे रोड पे, लेडीज़ वगैरह सब जाने में परेशानी आती है क्योंकि ये वार्ड नंबर 35 जो है कांग्रेस के पार्षद जीते हुए, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं होती। आप इस क्षेत्र में कितने समय से रहते हैं? मेरा तो जन्म ही का है, नहीं आ रहा है। तो नागदा नगर पालिका जो सप्लाई कर रही है वो गंदा मटमेला पानी आ रहा है। कितने समय से आ रहा है? ये करीब 3 से 4 दिन हो रहा है। आपके क्षेत्र के लोगों ने कोई शिकायत करी नगर पालिका जाके? हमने हम शिकायत करने पार्षद के पास आएंगे। पार्षद जी बोल रहे हैं कि हमने कल शिकायत करी है, उनसे कुछ बोला है तो बोले अभी तो ऐसे ही पानी आएगा। नहीं, आपके क्षेत्र के जो पार्षद हैं उन्होंने ये कहा है कि हमने मौखिक में कराए शिकायत, लिखित में क्यों नहीं किया हमने? लिखित में अगर वो हम उन लोगों के साथ में जाएंगे एसडीएम को शिकायत करेंगे। आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो पानी आपको यहाँ से आपके वार्ड से बाहर आके भरना पड़ रहा है? ये ग्रेसिन के फिल्टर प्लांट से आ रहा है पानी। हाँ, और नागदा नगर पालिका जो सप्लाई कर रही है वो बहुत गंदा पानी है। उसी नदी का पानी ग्रेसिन सप्लाई कर रही है, उसी नदी का पानी नागदा नगर पालिका सप्लाई कर रही है, लेकिन ये साफ शुद्ध पानी है। वो नागदा नगर पालिका जो सप्लाई कर रही है वो बिल्कुल गंदा मटमेला पानी आ रहा है। इसके कारण मजबूरी में हमको यहाँ का पानी पीने के लिए ले जाना पड़ रहा है। यहाँ के अध्यक्ष का कहना है कि करोड़ों रुपए का प्लांट डाल रखा है उन्होंने फिल्टर प्लांट, भगवान जाने वो डायरेक्ट नदी से आ रहा है या फिल्टर होकर आ रहा है। क्या नाम है आपका? गीता यादव। नगर पालिका नागदा की जो करोड़ों रुपए का फिल्टर प्लांट है उसके बाद भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पानी गंदा आ रहा है? अध्यक्ष जी से शिकायत दी थी तो अध्यक्ष जी बोले कि हाँ वो ऐसे ही आएगा पानी, पानी उधर हो गई पानी में। आपने शिकायत लिखित में की या मौखिक में की? मौखिक में की। लिखित में क्यों नहीं किया आपने? देखते हैं, हमने इसलिए एक दिन का इंतजार कर रखा, हो सकता है कि साफ पानी आने लगेगा, देखते हैं। कितना समय हो गया आपको शिकायत करे? कल सुबह की आपने मौखिक में की, आपने लिखित में नहीं की। अगर वो आपकी सुनवाई नहीं करते आपके क्षेत्र के वार्ड की तो इसके आगे क्या रहेगा आपका? नगर पालिका में जाके शिकायत कर दी, नहीं सुनेंगे तो एसडीएम को जाके शिकायत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय।